कुछ दिन पहले मैं बाजार की ओर जा रहा था तो वहाँ पर मुझे दो शख्स के साथ मुलाकात हुई। तो वो दो था, एक था भिखारी और दूसरा था एडुकेटेड आदमी जो अपनी ही धुन में खोए रहता। तो उस जो एडुकेटेड आदमी था वो एक बड़ी कंपनी के सामने खड़े होके यह सोच रहा था, अगर मैं अपने आप से यहाँ बहुत हार्ड वर्क करूँ तो मेरी इतना बड़ा कंपनी हो सकता है, मेरा बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, मेरा जो चाहत है वो पूरी हो सकती है, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरा खुशी और भी बढ़ सकता है। तो उसके साइड में एक भिखारी था, वो ये सोच रहा था, मेरे खुदा ने मुझे इतने दिन तक नहीं भूला है, मेरे जन्म से लेकर आज तक मुझे बहुत बुरी हालत और बहुत अच्छी हालत भी दिखाई है, जो मुझे हर तरह की इंसान को दिखाया है। तो मुझे मेरे उस खुदा के लिए, उस खुदा का शुक्रगुजार है जो मुझे कभी नहीं भूला है, और मैं इस खुदा की सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो उसके साइड में जो आदमी खड़ा था एडुकेटेड, वो बोला है, मैं जो चाहता हूँ, मेरा जो चाहत है, अगर वो गलत है तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो मेहनत की है, जो हार्ड वर्क की है, आपने जो पढ़ाई थी, जो एडुकेशन थी, वो मैं इतनी अच्छी तरह से पास की, उतने अच्छे रिजल्ट करा है, तो उसका क्या, मैं उस एडुकेशन के लिए क्या मैं कुछ नहीं उस खुदा से चाह सकता हूँ? तो उस भिखारी ने उस एडुकेटेड आदमी से ये बोला है, अगर मेरे खुदा ने तुम्हारी सारी चाहत भी पूरी कर देना तो भी तुमको एक बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि तुम अपने ही चाहत के अंदर दब गए हो, क्योंकि तुम्हारी चाहत कभी ख़त्म नहीं होगी, अगर तुम मर भी जाओ उस वक्त भी तुमको ये ही लगेगा कि मेरा थोड़ा चाहत बाकी, थोड़ा जो चाहत है वो पूरी नहीं हुआ, और मैं उस चाहत को पूरी करना चाहता हूँ। मेरे खुदा से तुम अपनी जो आखिरी वक्त है उस वक्त भी ये कहोगे, ये मेरा खुदा तू मुझे और थोड़ा वक्त दे, मेरा थोड़ा सा चाहत मेरा पूरा नहीं हुआ, वो तो मैं पूरा कर लूँ। तो इस मकाम में जाके हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? मुझे मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है।